हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि जयपुर ब्लॉक टेक्निक क्या होती है और कैसे दी जाती है। सबसे पहले बात करें कि ये किस में दी जाती है, तो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया में इसको यूज़ किया जाता है और ये एक एविडेंस बेस्ड टेक्निक है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया एक तरह का पेन है जो हर्पीज जॉस्टर के बाद में होता है। हर्पीज जॉस्टर एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो कि बॉडी में एक तरफ एक ही साइड डर्मेटोमल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। इसमें पानी भरे फोके आ जाते हैं और कई बार सही होने के बाद भी इसका जो दर्द है वो बना रह जाता है। बहुत कुछ डिपेंड करता है बॉडी की इम्यूनिटी पर। अगर ओल्ड एज पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, या उसकी इम्यूनिटी वीक है, या वो किसी इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग पर है, तो ये पेन लंबे समय से रह जाता है। अब यहाँ पे हमारे साथ जो बाबूजी हैं 75 ईयर्स के हैं, इनको 11 महीने पहले हर्पीज जॉस्टर का पेन हुआ था। हर्पीज जॉस्टर तो सही हो गया, पर इस एरिया में ये पेन और सेंसेशंस अभी भी हैं। इनको कभी भारीपन लगता है, कभी दर्द होता है, चुभन रहती है, तो और ये सारी तरह की दवाइयाँ अभी तक ले चुके हैं नसें मजबूत करने की, बट इनको उतना आराम नहीं आया जितना आना चाहिए। तो आज हम जयपुर ब्लॉक टेक्निक इसमें देने जा रहे हैं। पेशेंट को जयपुर ब्लॉक अभी दे दिया है और इसका इफेक्ट काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। पर बहुत ज़रूरी है कि जब हर्पीज जॉस्टर का प्रॉब्लम रहता है तो उसको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से डायग्नोस करवाएं, और अगर दवाई 2 से 3 दिन में शुरू नहीं होती है इसकी तो फिर ये बढ़ जाता है और इसका पेन लंबे टाइम तक रहता है। इसलिए इसको ये ना सोचें कि हम कहीं मेडिकल स्टोर से जाके दिखवा लेते हैं, कोई बोलता है कीड़ा खा गया है, मकड़ी खा गई है, तो ऐसा नहीं होता है। हर्पीज जॉस्टर की सही पहचान होनी चाहिए, डायग्नोसिस होना चाहिए, और उसके लिए आप अपने नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट को अप्रोच करें जिससे ट्रीटमेंट सही तरह से स्टार्ट हो पाए। ये जो पेशेंट है, इन्होंने कोई दवाई नहीं ली थी हर्पीज जॉस्टर की, और आज 11 महीने हो गए हैं इनको उस प्रॉब्लम को हुए, फिर भी दर्द इनके बना हुआ है। इसलिए सही टाइम पर सही इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।